हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज़ डीवीडी कैसेट पार्ट 46 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं डीवीडी की कुछ कैसेटें। पहली डीवीडी की कैसेट है यशराज मूवीज़ में। इसमें पहली फिल्म है धूम 2, जिसमें हीरो थे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा। दूसरी फिल्म है ऋतिक रोशन की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे, इसमें ऋतिक रोशन जी के साथ थे अभिषेक बच्चन। और तीसरी फिल्म है जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़े की फिल्म धूम। तीनों ही अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये। आगे है अल्ट्रा कंपनी में धर्मेंद्र जी की फिल्में। पहली है साजिश, दूसरी है जलजला। जलजला फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ थे शत्रुघ्न सिन्हा। और हमसे है हमसे ना टकराना में धर्मेंद्र जी के साथ थे मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा। तीनों ही धर्मेंद्र जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्में रही हैं ये। आगे है यशराज मूवीज़ में। इसमें पहली फिल्म है अनिल कपूर जी की लम्हे, दूसरी फिल्म है शाहरुख खान और सनी देओल जी की सुपरहिट फिल्म डर, और तीसरी फिल्म है ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म चांदनी। तीनों ही अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये भी, और तीनों ही फिल्में बहुत ही रोमांटिक फिल्में हैं। आगे है बाबा कंपनी में। इसमें चार फिल्में हैं। पहली है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें हीरो थे शशि कपूर। दूसरी फिल्म है ऋषि कपूर की बहुत ही शानदार फिल्म हीना। और तीसरी फिल्म है राजीव कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली। और चौथी फिल्म है ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग। तीनों में ही बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी दिखाई गई है। तीनों ही अपने समय की बहुत ही शानदार फिल्में हैं जो आर के बैनर के तले बनी थी फिल्में ये। आगे है सोनी म्यूजिक में। इसमें पहली फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ। दूसरी फिल्म है जॉन अब्राहम, अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय की फिल्म काल, इसमें मेहमान भूमिका में नजर आए थे शाहरुख खान। और तीसरी फिल्म है अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म दोस्ताना। आगे है यशराज बैनर की फिल्में। इसमें पहली फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान, दूसरी फिल्म है सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर, और तीसरी फिल्म है मिकी वायरस। तीनों ही अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्में रही हैं ये भी। आगे है बाबा कंपनी में। इसमें चार फिल्में हैं और चारों ही अमिताभ बच्चन जी की सुपरहिट फिल्में हैं। पहली है नमक हलाल, इसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ थे शशि कपूर, बहुत ही शानदार फिल्म है ये। दूसरी फिल्म है अमिताभ बच्चन जी की शराबी। और तीसरी फिल्म है अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस। और चौथी फिल्म है अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। चारों ही फिल्में अमिताभ बच्चन जी की बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं ये, और चारों ही फिल्मों में गाने बहुत ही लाजवाब थे। आगे है यशराज बैनर की फिल्में। इसमें पहली फिल्म है शाहरुख खान की चक दे इंडिया, दूसरी फिल्म है शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और तीसरी फिल्म है शाहरुख खान अमिताभ बच्चन जिमी शेरगिल उदय चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें। तीनों ही शाहरुख खान जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपने इनके गाने जरूर सुने होंगे। आगे है अल्ट्रा कंपनी में। फरदीन खान की फिल्म प्यारे मोहन, जिसमें फरदीन खान के साथ थे विवेक ओबेरॉय। दूसरी फिल्म है शाहिद कपूर और अक्षय खन्ना की फिल्म 36 चाइना टाउन। और चौथी फिल्म है
तुषार कपूर, इमरान हाशमी की फिल्म गुड बॉय, गुड बॉय और बैड बॉय। आगे है अल्ट्रा कंपनी में अनिल कपूर जी की सुपरहिट फिल्में, पहली है रिश्ते, दूसरी है बेटा और तीसरी है कसम। आगे है इरोस कंपनी में शत्रुघ्न सिन्हा और कबीर बैद्य की फिल्म खून भरी मांग, इसमें रेखा जी ने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया है। दूसरी फिल्म है रेखा की आस्था, जिसमें रेखा के साथ थे ओमपुरी। और तीसरी फिल्म है फिल्म मृत्युदंड, मृत्युदंड में भी माधुरी दीक्षित जी ने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया था, इसमें हीरो थे अयूब खान। आगे है बाबा कंपनी में शाहरुख खान जी की फिल्में, इसमें चार फिल्में हैं, पहली फिल्म है शाहरुख खान की बाजीगर, दूसरी है कर्ण अर्जुन, तीसरी है कोयला और चौथी है अशोका। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है शाहरुख खान जी की फिल्मों का इसमें। आगे है इरोस कंपनी में, इसमें अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है पहली खुदा गवाह, दूसरी फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, सलमान खान, दीनू मौर्या और बॉबी देओल की फिल्म हीरोज, और तीसरी फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आगे है इरोस कंपनी में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म वक्त, दूसरी है अभिषेक बच्चन की फिल्म बस इतना सा ख्वाब है, और तीसरी फिल्म है अयूब खान की फिल्म मृत्युदंड। आगे है बाबा कंपनी में, इसमें चार फिल्में हैं, पहली है रणबीर कपूर की बचना ए हसीनो, दूसरी है रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार, और तीसरी है अजब प्रेम की गजब कहानी, और चौथी है अनजाना अनजानी। चारों ही रणबीर कपूर जी की फिल्में हैं ये। आगे है अल्ट्रा कंपनी में अनिल कपूर और जितेंद्र जी की बहुत ही शानदार फिल्म आग से खेलेंगे, दूसरी फिल्म है धर्मेंद्र और जितेंद्र जी की जान हथेली पे, और तीसरी फिल्म है संजीव कुमार और जितेंद्र जी की बहुत ही शानदार फिल्म वक्त की दीवार। तीनों ही जितेंद्र जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये, जितेंद्र जी की फिल्मों का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है इसमें। आगे है अल्ट्रा कंपनी में जितेंद्र और अनिल कपूर की फिल्म आग से खेलेंगे, दूसरी फिल्म है इसमें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म चालबाज, और तीसरी फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती की निर्भय। आगे है बाबा कंपनी में, इसमें चार फिल्में हैं, पहली फिल्म है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म शोले, दूसरी फिल्म है अमिताभ बच्चन जी की कोली, तीसरी फिल्म है अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार की फिल्म त्रिशूल, और चौथी फिल्म है अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म शान। अमिताभ बच्चन जी की चारों ही फिल्में अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये। आगे है टी सीरीज कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है कृष्ण कुमार जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म बेवफा सनम, दूसरी फिल्म है इसमें तुम बिन, और तीसरी फिल्म है मीरा का मोहन। तीनों ही बहुत ही रोमांटिक फिल्में हैं ये अपने समय की। आगे है बाबा कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है अजय देवगन और सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम, दूसरी फिल्म है ताल अक्षय खन्ना जी की, तीसरी फिल्म है दिल का रिश्ता, और चौथी फिल्म है इसमें आ अब लौट चले। चारों ही अपने समय की बहुत ही रोमांटिक फिल्में हैं ये। और आज की आखिरी कैसेट है अल्ट्रा कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है अनिल कपूर की रिश्ते, दूसरी फिल्म है आमिर खान जी की बहुत ही रोमांटिक फिल्म दिल, और तीसरी फिल्म है अनिल कपूर जी की बहुत ही शानदार फिल्म मोहब्बत।
तो ये थी कुछ डीवीडी की कैस्टें जो आज आपने देखी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।